नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर हल्द्वानी से। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दो दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और अब वो जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जिले के सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे, उसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संवाद के दौरान कुछ लिखित सुझाव दिए हैं, जिनका अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वायदे राज्य सरकार ने किए हैं वो उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से सत्र अंतिम दो दिन गैरसैंण से हटाकर देहरादून करना पड़ा। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण है, उसके विकास के लिए राज्य सरकार से जितना ज्यादा हो पाएगा वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये पिछला बजट भी गैरसैंण में ही हुआ था, लेकिन कोविड के कारण जो अंतिम दो दिन थे हमको मध्य सत्र में निर्णय लेना पड़ा कि उसको देहरादून में करना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, इसलिए ये ग्रीष्मकालीन जो हमारा सत्र है वो वहाँ पर हम कर रहे हैं और जो बजट सत्र है वो वहाँ पर संपन्न होगा। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता और जनता से जो वायदा हमने किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।